हेलो किसान भाइयों, राम राम। आज किसान भाइयों, हम गाय की एक और जटिल समस्या के ऊपर वीडियो बनाकर लाए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाय दूध नहीं निकलवाती। पहली बार गाय जब बच्चा देती है तो उसके पैरों में रस्सी बांधनी पड़ती है, कहीं कुछ और परेशानियाँ उठानी पड़ती है। और कुछ गाय ऐसी होती बिल्कुल दूध देती ही नहीं, दूध दुलाना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन हर चीज़ का समाधान है। तो आपको करना क्या है, जब आपकी गाय बच्चा देती है उसके बाद में आप बच्चा को दूध पीने के लिए लगा दीजिए। बच्चा जैसे ही दूध पीता है उसके साथ में एक दो थन का दूध निकालते रहिएगा साथ साथ में। बच्चा भी पिएगा और आप भी दूध दुहिए। शाम को आप दोबारा फिर से दूध दुहने के लिए जाएंगे, फिर बच्चा को साथ में लगाइए और उसके साथ में जल्दी जल्दी दूध निकालने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चा अधिक दूध ना पी ले और आप अधिक से अधिक निकाल लें। दो दिन तक इस प्रकार से ट्राई कीजिए, आपकी गाय जो है तीसरे दिन अपने आप दूध दुहाने लगेगी। फिर बच्चे को आगे चल करके क्या, उसके खूंटा से बांध दो, बच्चे को चाटती रहेगी गाय और आप दूध निकालते रहो। यदि इसके बाद भी आपकी गाय दूध नहीं निकलवाती है, उस समय क्या करना है आपको, गुड़ के दो लड्डू तैयार करने हैं 100-100 ग्राम के। अब 100 ग्राम जब गुड़ लेते हैं आप, उसमें ये गांजा है, इससे सभी लोग चिरपरिचित हैं, सभी जानते हैं। इस गांजा की पत्तियां आप इस तरीका से तोड़ लीजिए, केवल पत्तियां। तोड़ने के बाद 100 ग्राम गुड़ के साथ में इसका लड्डू बना लीजिए मिक्स करके। गाय को आधा घंटा पहले एक लड्डू ये खिला दीजिए। इससे क्या होता है, गांजा एक नशीला वनस्पति है ये, जिसे खाने के बाद में गाय बहुत ही प्रसन्न और खुश हो जाएगी और वो दूध निकलवाने के लिए तैयार हो जाएगी। गाय के पास आप बच्चा लगाइए, बच्चा थोड़ा दूध पिएगा, उसके बाद में बच्चे को उसके खूंटा से बांध दीजिए। जब वो बच्चे को चाटने लगेगी आप दूध निकालिए आराम से। जब दूध पूरा निकाल लें उसके बाद में एक लड्डू जो बचा हुआ सादा गुड़ का, वो आप खिला दीजिए। इससे क्या, धीरे धीरे जो गाय जो है उसकी हैबिट बन जाएगी कि यदि हम दूध निकलवाएंगे तो फिर हमें दो लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। और वो टाइम पर, जैसे आप सुबह 5 बजे दूध निकालते हैं, सुबह 5 बजे को चिल्लाने लगेगी, रमाने लगेगी कि हमारा दूध निकाल लो आकर के। सुबह को निकाल लिया आपने, शाम को भी वही प्रक्रिया करेगी गाय, चिल्लाएगी 5 बजे कि हमारा दूध निकाल लीजिए। आप आसानी से दो लड्डू इस प्रकार से खिलाएंगे 10-15 दिन तक, उसके बाद में गाय की हैबिट आ जाएगी और वो खुद ही ललचाने लगेगी कि हमारा दूध निकाला जाएगा तो फिर हमें दो लड्डू मीठे खाने के लिए मिलेंगे। ये तो हो गई आपकी एक आदत। इसके बावजूद भी कुछ गाय ऐसी होती हैं वो हाथ नहीं आती हैं, दूध नहीं दुहाती। उसके लिए हमें क्या करना है, गाय एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम का भूखा होता है। आप जितना अधिक प्रेम कर लेंगे गाय को, उतनी अधिक मात्रा में आपको दूध देगी और बिना लात चलाए कभी भी वो लात नहीं चलाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, गाय के ब्याने से 10-15 दिन पहले उसके थनों पर हाथ डालना, उसकी बॉडी पर हाथ डालना है, उसकी बॉडी पर कंघी चलाना है, जिससे वो आपको अच्छी तरीके से पहचानने लगे कि ये हमारा मालिक है। और जब डेली आप हाथ डालेंगे गाय के थनों पर तो क्या होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरे ब्यांत वर्ष, जैसे प्रेग्नेंट हुई उसके बाद में 8-9 महीने तक उसके थनों पर हाथ नहीं गया, फिर लास्ट में जब थनों में दूध आ जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि हम दूध निकाल लें, तो उसके थनों में एक गुलगुली टाइप की होती है, इसलिए वो थन नहीं छूने देती है। जब आप डेली हाथ डालेंगे थनों पर तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बावजूद ही कोई दिक्कत करती है तो चलो मैं खुद बता रहा हूँ आप किस तरीके से गाय को अपने कंट्रोल में करेंगे। आइएगा, श्यामा उठ जाओ बेटा, उठो बच्चा, उठो, चलो उठो, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, उठो। अब गाय को देखिए मैं किस प्रकार से, गाय को पटाने वाली बात होती है, इसके शरीर पर इस प्रकार से हम कंघी करेंगे। ब्याने से 10-15 दिन पहले से हम कंघी करने लगेंगे, इससे इसे बड़ा आनंद आता है गाय को। जब हम इस तरीका से कंघी करने लगेंगे तो पूरी बॉडी पर करेंगे, पेट के नीचे भी करेंगे, इधर आ जाते हम गाय के पीछे भी ऐसे कंघी करेंगे। कंघी करते टाइम पर ऐसे करके हाथ भी डालेंगे,
फिर हम कंघी करते जाते हैं, कंघी करते जाते हैं और इस प्रकार से थनों पर हाथ डालते जाते हैं। और इस गाय का दूध सुबह को निकाला जा चुका है, इस प्रकार से गाय की हैबिट पड़ जाएगी कि हमें डेली खुजलाया जाएगा तो वो आपके हाथ आ जाएगी आसानी से, किसी तरीका की कोई दिक्कत नहीं करेगी। आप सिर्फ गाय को प्रेम कीजिए, उसका लाड़ प्यार कीजिए, डेली कंघी कीजिए बॉडी पर, जिससे अपने आप ही वो आपसे प्रेम करने लगेगी। अब प्रेम करने लगेगी तो फिर आप गाय के साथ में कुछ भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुंह से इसका थन पी सकते हैं, ऐसे करके मुंह से पी सकते हैं, अभी थन गंदे हैं, नहीं तो मैं मुंह से दूध पी लेता। तो इस तरीके से गाय को आप अपने बस में कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी गाय जो बच्चा देने वाली है, ये देखो हमारी रूपा गाय है। किस प्रकार से इसे हम देखो ऐसे करके कंघी करते हैं, इससे गाय से आनंद आता है। अभी इसने बच्चा नहीं दिया, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और देखो ऐसे करके हम डेली उसकी सेवा करेंगे, थनों पर हाथ डालेंगे, देखो है थन पर हाथ डलवा रही है, अभी छोटे छोटे थन हैं, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। इस प्रकार से ये भी दूध देने लगेगी, कभी भी लात नहीं चलाएगी। सिर्फ आपकी कलाकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाय को कितना प्रेम करते हैं। तो आपने देखा, चलो आपने देखा किसान भाइयों किस तरीके से हम गाय को अपने कब्जा में लेते हैं। बस सबसे बड़ी चाबी है, हमें गाय को अधिक से अधिक प्रेम करना है, जिससे वो हमारी बात मानने लगे। दूसरी बात, आप कभी भी किसान भाइयों गाय को मारेंगे नहीं। यदि गाय दूध नहीं निकलवा रही है तो पूरा दूध बच्चे को पिला दीजिए, ऐसा नहीं कि आप गाय को मारते हैं। गाय एक बहुत जिद्दी जानवर होता है, इसकी आदत क्या होती है, यदि आपने एक बार गाय को मार दिया डंडी से या किसी चीज़ से, तो वो दोबारा आपको कभी दूध नहीं निकलवाएगी, इतनी जिद्दी होती है। आपको फिर दूसरा बंदा दूध निकालने के लिए बिठाना पड़ेगा, उसके बाद में वो दूध देगी। इसलिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि गाय को जितना हो सके अधिक से अधिक प्रेम करो, और प्रेम करने से ही वो दूध देगी। और सबसे बड़ी जड़ी बूटी हमारे पास में जो प्रेम भी नहीं मानती है, वो इस गांजा की पत्ती खाने के बाद में आपको दूध देगी। तो किसान भाभी भाइयों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो अधिक से अधिक किसानों को फ़ायदा मिल सके। कल हम अगली बीमारी के साथ या अगली गायों की समस्या लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय राम जी।